गुड इवनिंग प्रभात बेटा। प्रभात, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, कब पूछा था पता नहीं, कि आप वही प्रभात हो गए जो पिछले साल मेरे से पढ़ा 11th में। अच्छा ठीक है। देखो, लास्ट क्लास में दो टॉपिक्स पढ़े थे, एक तो अप्रोक्सीमेशन और एक क्या पढ़ा था, एरर कैसे फाइंड अप्रोक्सीमेशन करनी है। अप्रोक्सीमेशन में एक सिंपल सा फॉर्मूला तुम लोगों को याद करना था, क्या f of a plus h किसके इक्वल होता है, f of a plus h f dash t, यही था। और अप्रोक्सीमेशन में क्या क्या थे, डेल वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स डेल एक्स, ये तो था अप्रोक्सीमेट चेंज। मान लो वो तुमसे रिलेटिव एरर पूछ ले, इसको खाली एरर भी बोल सकते हो, रिलेटिव एरर पूछ ले तो डिवाइड कर डेल वाई लेना। बाय वाई, और अगर परसेंटेज एरर पूछ ले तो इनटू में 100 और कर दो परसेंटेज। बेटा ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चल रहा है सृष्टि, डेल वाई बाय वाई इनटू में 100। अपना पिछला जो लेक्चर था ना, वो इन चार फॉर्मूले बेस्ड था। ठीक है, आज आपको क्या पढ़ना है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। देखो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, तुम पिछले साल कॉनिक सेक्शन पढ़ के आए हो, तो तुम्हें इतना पता है कि टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। बताओ, पता है सबको टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है? मान लो कोई भी कर्व दे दिया आपको, ठीक है, ये येलो लाइन जो आपको दिख रही है, कोई भी कर्व दे दिया, टेंजेंट तो तुम्हें पता है क्या होती है, एक पॉइंट पे टच करके जाएगी उस कर्व को। ठीक है, यस मैम, और उस पर जो लाइन खींचेंगे वो नॉर्मल। हाँ। मान लो ये जो टेंजेंट है, मतलब ये पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट आपका P है, और ये टेंजेंट इस P पॉइंट से पास कर रही है, तो इसी पॉइंट से टेंजेंट की परपेंडिकुलर जो लाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल का पता चल गया। अब आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछेंगे, टॉपिक्स में आपको पॉइंट दे देंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में पॉइंट दे, लेकिन वो मेनली पूछेगा क्या कि आप टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के बताओ, नॉर्मल की इक्वेशन निकाल के बताओ। मतलब बेसिकली इस ऑरेंज लाइन इस ब्लू लाइन की आपको क्या निकालनी है, इक्वेशंस निकालनी है। अब देखो, नॉर्मल और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर तुमने बोल दिए, तो फिर परपेंडिकुलर की एक कंडीशन पढ़ी होगी तुमने, परपेंडिकुलर की कंडीशन पढ़ी। दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर कब होती है, जब उनका स्लोप, स्लोप नेगेटिव वन होते हैं। हाँ, या यूं बोल दो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या हो जाए। मान लो एक का एम वन है स्लोप और एक का एम टू है, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या हो जाए आपका, माइनस वन, दैट इज एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन। ये ध्यान रखना, क्योंकि वो तुमसे ना पूछेगा कि तुम नॉर्मल की इक्वेशन बताओ, तो नॉर्मल की इक्वेशन बताने के लिए तुम्हें नॉर्मल का पहले स्लोप तो निकालना पड़ेगा। पता है ना तुम्हें इक्वेशन कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं इक्वेशन। मान लो तुम्हें एक्स वन वाई वन एक पॉइंट दे दिया, ठीक है, और तुम्हें स्लोप पता है, स्लोप मान लो एम है, तो इक्वेशन कैसे लिखते हो, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ऐसे ही लिखते हो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको पॉइंट दे देगा मान लो, और आपको इक्वेशन लिखने को बोल देगा, तो आप क्या करोगे, पहले स्लोप निकालोगे। अब टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हो, सबको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, आप पढ़ के आए हो। स्लोप ऑफ टेंजेंट कुछ यस नहीं मैम, वाई होता, टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस डी वाई बाय डी एक्स होता है। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, अभी मैंने जब डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट कराया था तब तुम्हें बताया भी थी ये चीज। और यहाँ पर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो डी वाई बाय डी एक्स एट पॉइंट, जिससे भी वो टेंजेंट आपका पास कर रहा है वो। ठीक है, तो ये लगा के आप स्लोप निकालोगे, पॉइंट वो आपको देगा। ठीक है, जस्ट आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में वाइट जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है इसमें पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब मान लो आपने स्लोप निकाल लिया टेंजेंट का, लेकिन वो इक्वेशन आपसे पूछ रहा है किसकी, नॉर्मल की, तो उसके लिए आपको नॉर्मल की एक तो पॉइंट चाहिए जिससे वो पास कर रही है, ये पॉइंट तो तुम्हें पता है पी दे रखा है। स्लोप चाहिए, उसके लिए तुम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे क्या, कि इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस वन, वहां से तुम्हारे पास नॉर्मल का स्लोप निकल जाएगा और फिर तुम नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हो। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो स्लोप्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं।
परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट माइनस वन होता है, पैरेलल है तो दोनों के स्लोप्स क्या हो जाते हैं, इक्वल। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए, यही यूज करनी है आपको क्वेश्चन में। इतना क्लियर है बेटा, इसमें किसी को डाउट है जल्दी बोलो। क्या क्या बताया मैंने, टेंजेंट बताया एक पॉइंट पे टच करके जाएगी, और वो पॉइंट क्या है P। उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो टेंजेंट के, वो क्या हो जाएगी नॉर्मल। तीसरी चीज मैंने बताई, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है माइनस वन। फोर्थ मैंने बताई, अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो स्लोप्स इक्वल हो जाते हैं। फिर मैंने बोला है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट तुम कैसे निकालोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट तुम्हें कोई भी कर्व दिया हो उसको डिफ्रेंशिएट कर देना, और फिर उसमें क्या कर देना, जिस भी पॉइंट से वो टेंजेंट पास कर रही हो पॉइंट, उसमें क्या कर देना, पुट कर देना, मतलब dy / dx निकालो एट पॉइंट P। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या बताया, सेम आपको नॉर्मल के लिए स्लोप निकालना, मतलब अगर आपका टेंजेंट का स्लोप निकल गया ना तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके नॉर्मल का स्लोप निकाल लेना, और नॉर्मल का स्लोप निकलने के बाद आप इक्वेशन में पॉइंट पुट कर देना और स्लोप पुट कर देना। बेसिकली इक्वेशन के लिए आपको दो ही चीज चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए और एक क्या चाहिए, स्लोप। अगर ये दोनों चीज आप कैपेबल हो निकालने में उस क्वेश्चन में, तो आप इक्वेशन लिख दोगे। क्लियर है, चलो क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी एक्स वन वाई वन, ये वैसे मैंने तुम्हें बता दिया, वाई माइनस वाई वन, मान लो स्लोप आपका एम निकल रहा है एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, तो नॉर्मल की बता सकते हो क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन माइनस वन बाय कर, हाँ माइनस भी करेंगे ना, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन के इक्वल होता है, तो माइनस वन बाय m आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन करो। अच्छा ये अभी बताती हूँ, एक बार क्वेश्चन करो। पहले एक बार सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, ए टू ट्राई करके देखना, इसमें का सेकंड ए टू ये वाला, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट माइनस फोर माइनस फोर, ये क्या है आपको पॉइंट गिवन है, जहां से टेंजेंट मतलब टेंजेंट पे पॉइंट गिवन है, ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस फोर वाई। अच्छा ये जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं ना कि तुम लोग ऐसे पॉइंट पुट कर देना और ये सब कर देना, ये कब करना है तुम्हें, जब ये पॉइंट आपका इस कर्व पे लाए कर रहा हो, ठीक है। याद रखना अभी जो भी अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, वो तब करना है जो गिवन पॉइंट है वो कहाँ लाए कर रहा हो, कर्व पे। अब जैसे ये माइनस फोर है, देखो इसमें लाए कर रहा है क्या इस कर्व पे, x को 4 माइनस 4 पुट करो, y को माइनस 4 पुट करो, LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, इसका मतलब ये लाइक करता है, तो हम कर सकते हैं काम, क्योंकि ना हम अभी आगे पढ़ेंगे कि वो पॉइंट जो है कर्व पे लाई नहीं कर रहा, वो कहीं और लाई कर रहा है, वो केस हम डिस्कस करेंगे, तो तुम अभी एक बार दिमाग में रखना कि हम ये वो वाली चीजें डिस्कस कर रहे हैं जहां पर पॉइंट जो गिवन है वो कर्व पे लाई कर रहा है। तो बताओ, देखो मैंने क्या बोला है, आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। पहली चीज मैंने बोला था एक पॉइंट होना चाहिए जिस पे से टेंजेंट, जो टेंजेंट पे लाए कर रहा हो, पता है तुम्हें पॉइंट क्या है, माइनस फोर गिवन है, पॉइंट वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। क्या चाहिए अब दूसरा, स्लोप चाहिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे, जो भी कर्व गिवन है उसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, डीवाई बाई डी एक्स निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, देखो टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस फोर डीवाई बाई डी एक्स, आपको चाहिए डीवाई बाई डी एक्स एट पॉइंट, जो पॉइंट है उसी पे चाहिए, 2x by minus, पहले निकाल लो एक बार dy by dx कितना आ रहा है, dy by dx कितना आ गया आपके पास, minus x by 2। अब dy by dx आपको चाहिए था जो given point है उस पे, अब यहां y तो है नहीं, x की वैल्यू पुट कर दो माइनस फोर, जैसे इसमें माइनस फोर पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 by 2, that is 2, 2 आ गया, इसका मतलब dy by dx at this point कितना हो जाएगा आपके पास, स्लोप 2 निकल गया, पॉइंट आपको गिवन है माइनस फोर माइनस फोर, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, y1 की वैल्यू कितनी है माइनस फोर, तो ये हो जाएगा y प्लस फोर, m की वैल्यू 2 निकली है, x1 की वैल्यू भी माइनस फोर है, तो ये हो जाएगा प्लस फोर। यहां से सॉल्व कर लो क्या आ रहा है, y प्लस फोर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 8, ठीक है, तो देख लो इसको उधर ले जाओ, 2x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 2x, हाँ आजाद बेटा ठीक है, उसको y लिख देना, गलती से लिख दिया होगा शायद तुमने, क्लियर है, फोर्थ ऑप्शन आ गया, क्लियर है ये चीज, कैसे किया मैंने क्वेश्चन, बोलो
क्या किया, पॉइंट था, स्लोप निकाल लिया, इक्वेशन में पुट कर दिया। तो अगर क्लियर है तो मेरे को एक बार फर्स्ट वाला करके दिखाओ, A1। y इज इक्वल्स टू 2 cos x एट x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। y इज इक्वल्स टू 2 cos x एट x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। देखो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। अब सिर्फ x दे रखा है पाई बाय 4, तो y निकाल सकते हो, पॉइंट निकल जाएगा। x पाई बाय 4 पे देख लो y कितना आ रहा है। पॉइंट के लिए क्या करोगे, x को पुट कर दो यहाँ। cos पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 1/√2। तो ये 2/√2 हो गया, इसका मतलब ये √2 बच गया। तो पॉइंट क्या हो गया आपके पास, पॉइंट आपके पास हो गया पाई बाय 4 और √2। ठीक है, पॉइंट मिल गया। स्लोप कैसे निकालोगे, इसका डिवाइड बाय, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिवाइड बाय dx निकालो, कितना हो जाएगा, 2 -2 sin x। ठीक है, अब डिवाइड बाय dx इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट में x की वैल्यू क्या है, पाई बाय 4 यहाँ डाल दो, तो डिवाइड बाय dx कितना आ जाएगा आपका, -2 × 1/√2। तो ये कितना हो गया, -√2। ठीक है, स्लोप निकल गया, पॉइंट मिल गया, इक्वेशन क्या हो जाएगी, y -y1 इज इक्वल्स टू, स्लोप है -√2, x -x1, x -π/4। इसको सॉल्व कर लो, बस आ जाएगा आंसर। मतलब थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लो इसको। देखो सिंपलीफाई करने की जरूरत है क्या, पीछे दे रखा होगा y -√2 - √2 x -π/4, ये वाला आ रहा है, बताओ सबका यही आया क्या, सेम है, किसी का अलग तो नहीं आया। बोलो बताओ, ऐसा कोई है जिसका आंसर निकला हो। चलो फिर थर्ड करो। देखो थर्ड में क्या डिफरेंस है, पहले वाले दोनों में तो आपको x और y की वैल्यू, मतलब y और x की टर्म्स में दे रखी थी इक्वेशन। अभी क्या है कि उन्होंने पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर दिया, इनको पैरामीट्रिक इक्वेशंस बोलते हो। मतलब x को t के फॉर्मेट में दे रखा है, y को t के फॉर्मेट में दे रखा है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है एट t = 1। कोशिश करोगे क्या, या मैं डायरेक्ट करवा दूं। कर मैम करेंगे पहले। लो पहले एक बार, सारे बच्चे करना बेटा। और एक मिनट, कहाँ गया, मैम फर्स्ट आंसर आ रहा है। -3 = 0। मैम देखो नॉर्मल की इक्वेशन निकाली है ना, ये भी ध्यान रखना, टेंजेंट वाली निकालनी है। -1 लेंगे ना उसका। x = t² y = 2t। x = t² y = 2t। नॉर्मल की आपको इक्वेशन चाहिए एट t = 1। देखो यहाँ पहली बात तो पॉइंट आपको गिवन नहीं है, बट पॉइंट आप निकाल सकते हो t = 1 पे। पॉइंट देख लो क्या आएगा, x की वैल्यू तो 1 आएगी और y की वैल्यू 2 आएगी, मतलब पॉइंट आपको मिल गया क्या, 1,2। अच्छा दूसरी चीज भाई, आपको dy/dx निकालना है। ठीक है,
डीवाई बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, यहाँ पर टी की फॉर्मेट में दे रखा है, तुम लोगों ने पढ़ा है कि मैं डीवाई बाई डी टी कर देती हूँ और फिर नीचे क्या कर दूंगी, डीएक्स बाई डी टी, ठीक है, कट के डीवाई बाई डी एक्स ही बचेगा, सेम बात है ये, तो मैं ये वाला सॉल्व कर लेती हूँ, राइट वाला, डीवाई बाई डी टी क्या हो जाएगा टू, और डीएक्स बाई डी टी टू टी, टू टी हो जाएगा, ठीक है, कट गया तो ये बच गया आपका वन बाय, तो डीवाई बाई डी एक्स वन बाय टी आ गया, दैट मीन्स ये आया है स्लोप आपका, अच्छा टी की वैल्यू भी पुट कर दो, वन ही आ जाएगा। मैम ये dy by dt 2 कैसे आया? dy by dt कर लो ना बेटा, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दो, 2 आ जाएगा। y is equals to 2t दे रखा है, यहाँ dy by dt निकालो। यस। ठीक है, और सेम मैंने नीचे वाला dx by dt यहाँ से निकाला है, 2t आ जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 by t बचेगा। अब आपको क्या चाहिए, ये dy by dx था, निकाल दिया, t equals to 1 पे चाहिए था ये, तो t की वैल्यू 1 पुट कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy by dx is equals to 1। अब ये आया टेंजेंट का, ठीक है, टेंजेंट का स्लोप आया है, आपको नॉर्मल का चाहिए, उसके लिए अब क्या कर दोगे आप, कर देंगे माइनस वन के, अभी अभी तो बताया था नॉर्मल और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनस वन, आपका टेंजेंट का वन आया तो नॉर्मल का ऑब्वियस ही बात है कितना हो जाएगा, नॉर्मल का स्लोप माइनस वन। अब पॉइंट आपको पता चल गया, स्लोप आपको पता चल गया, बस इक्वेशन निकाल दो, क्या आ जाएगा, देखो एक्स वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन एक्स माइनस वन, वाई माइनस टू इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, यहाँ से वाई प्लस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, यही है क्या ऑप्शन, एक्स प्लस वाई माइनस थ्री, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो गया, क्लियर है, कर लोगी, ठीक है। देखो पहले दो क्वेश्चन डायरेक्ट थे आपके, एक्स वाई में दे रखा था रिलेशन डायरेक्टली डिवाइड बाय डीएक्स निकालिया, सेकंड वाले में पैरामीटर की फॉर्म में दे रखा था, वो भी कर लिया, अब एक बार ए फोर और ट्राई करो, यहाँ पर भी आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है और कर्व आपको दे रखा है एट पॉइंट ए कोमा ए। नमस्ते शिवा बेटा, आपको कैसे मिल गया मेरी क्लास का लिंक, आज आपकी क्लास नहीं है क्या, इस टाइम फ्री हो आप लोग, अच्छा ठीक है, जल्दी बताओ बेटा, इसको ट्राई करो, अच्छा तो बताओ ना फिर उनको, अगर ज्वाइन नहीं हो रहा है तो, आपका कौन से सर पढ़ाते हैं, लाओ मैं बोलती हूँ उनको, ज्वाइन तो होना चाहिए था बेटा, किसी का प्रॉब्लम तो नहीं आया उसमें, बताओ बेटा किसका आंसर आया है, जल्दी बताओ, मैम सी आ रहा है आंसर, 3 फोर एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू, हाँ ठीक है सी ही आएगा, शिवा बेटा इसका तो कोई लिंक ही नहीं आया हुआ ग्रुप्स में मनजीत सर का, मैं तो एडिड नहीं हूँ ग्रुप्स में, आप अल्फा वाले ग्रुप में मैसेज कर दो ना, देखो क्या कर रहे हो इसमें, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस एट ए ए इज, देखती हूँ बेटा एक मिनट, आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, कर्व आपको गिवन है y की पावर 4 इज इक्वल टू ax क्यूब और पॉइंट आपको दे रखा है ए ए, ठीक है,
y की पावर 4 इज इक्वल टू ax क्यूब पॉइंट ए, देखो यही था ना, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना, पॉइंट तो इन्होंने दे ही रखा है, मतलब बेसिकली आपको नॉर्मल का स्लोप निकालना है और कुछ नहीं करना। तो नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालोगे, पहले dy by dx निकाल लो इस पॉइंट पे, dy by dx क्या होगा, देखो 4y क्यूब dy by dx is equals to 3ax square, यहां से dy by dx क्या आ जाएगा, 3ax square upon में 4y क्यूब। अब किस पॉइंट पे निकालना है, a कोमा ap पुट कर दो, dy by dx at point a कोमा a, क्या हो जाएगा 3a क्यूब ऊपर बन जाएगा और 4a क्यूब नीचे बन जाएगा, 3 by 4 आ गया। ये आपका स्लोप निकला है टेंजेंट का, तो नॉर्मल का क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया माइनस 4 बाय 3। ये बात सबको समझ आती है, ठीक है, ओके, समझ आ रही है सबको ये वाली बात, यहां से यहां कैसे आ गई मैं, फटाफट बोलो किसी बच्चे को इसमें डाउट है, अगर तुम यहाँ पे परेशानी फील कर रहे हो ना तो पूरा इसमें आगे टॉपिक में गड़बड़ होगी, अभी बता दो किसी को प्रॉब्लम है तो, भाई मैम मुझे समझ नहीं आ रहा ये, किसी को नहीं है, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल गया माइनस 4 बाय 3, पॉइंट आपको दे ही रखा है, बस अब इक्वेशन निकाल दो क्या हो जाएगी, देखो वाई माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 4 बाय 3 एक्स माइनस ए, मल्टीप्लाई कर दो 3y माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 4a, इसको उधर ले जाओ 3y प्लस 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7a, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, क्लियर है, चले आगे। Yes, ठीक है, ये बेसिक था, अब थोड़े अच्छे लेवल के कर लेते हैं। चलो ये बताओ, फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर दिस, बेसिकली इक्वेशन निकालनी है आपको एट पॉइंट 1, 1, पहले तो ये देखो, ये चेक कर लेना ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है ना, वही वाला मेथड यूज करना है, फिर वो क्या है, एक्स की जगह और वाई की जगह 1, 1 पुट करोगे तो हो जाएगा, पॉइंट आपको दे रखा है 1, 1, स्लोप चाहिए बस आपको इक्वेशन निकालने के लिए, पहले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट देख लेते हैं, डीवाई बाई डी एक्स निकालोगे, कैसे निकालोगे उसको, डिफरेंशिएट करोगे, मैम डीवाई बाई डी एक्स 2 आ रहा है, डीवाई बाई डी एक्स 2 आ रहा है, नहीं बेटा राहुल 2 नहीं आना चाहिए, देखते हैं रुको मैं करती हूँ, डिफरेंशिएट करो इसको, देखो पावर आगे आएगी, ऊपर पावर क्या हो जाएगी माइनस 1/3, नहीं 2/3 में से 1 माइनस करोगे तो माइनस 1/3 आएगी, ठीक है, प्लस 2/3 वाई की पावर माइनस 1/3 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया 0, ठीक है, तो यहाँ से 2/3 तो कॉमन लेके 0 ही कर दो, एक्स की पावर माइनस 1/3 प्लस वाई की पावर माइनस 1/3 डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया आपका 0, यहां से dy by dx क्या हो जाएगा माइनस x की पावर माइनस 1/3 अपॉन में y की पावर माइनस 1/3, ठीक है। अब आपको किस पे निकालना है, पॉइंट है 1, 1, तो dy by dx एट दिस पॉइंट क्या हो जाएगा माइनस 1, हुआ कि नहीं, मान लो ये पॉइंट p है तो dy by dx एट पॉइंट p क्या हो गया आपका माइनस 1, आपका 2 कैसे आ रहा है राहुल बेटा, देखो कहां गलती की है, मैंने 2 को 0 नहीं पुट किया था, डिफरेंशिएशन, अच्छा तो ये आ गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, पॉइंट आपको गिवन है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y माइनस 1 इज इक्वल टू स्लोप आया माइनस 1, x माइनस 1, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1, तो y प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये तो होगी आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए इक्वेशन स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस 1 है तो नॉर्मल का स्लोप क्या 1 हो जाएगा, बोलो 1 हो जाएगा, देखो अगर आपको कंफ्यूजन है तो इतना ध्यान रखो, वैसे तो दो परपेंडिकुलर लाइंस का तुम्हें पता होना चाहिए प्रोडक्ट माइनस 1 होता है, बट अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो तो याद रखो स्लोप ऑफ टेंजेंट
इनटू में स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू माइनस वन. बस यहाँ पुट करके आप अपने आंसर्स निकालो. अब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल गया, माइनस वन आया है, तो इधर माइनस वन पुट करोगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ से क्या निकल जाएगा, वन. ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई माइनस वन इज इक्वल टू वन एक्स माइनस वन, वाई माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन. तो ये तो कट गया, वाई इज इक्वल टू एक्स ही आ गया. ठीक है, कर लोगे, बोलो अब कोई प्रॉब्लम है ऐसे क्वेश्चन में. सिंपल है, दो ही चीज कर रहे हैं हम लोग, पॉइंट स्लो पॉइंट स्लो यही खेल रहे हैं बस. ये ट्राई करो, ये पैरामेट्रिक है, मतलब इक्वेशन आपको डायरेक्ट नहीं दे रखी, पैरामीटर की फॉर्म में दे रखी है. निकालो एक बार इसका आंसर बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर दिया करो ना, तो मुझे तुम्हारी शक्लें भी नहीं दिख रही, तुम दे सकते हो. जीरो. ठीक है शुभम बेटा, ये जीरो क्या निकाला है, स्लोप स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप तो जीरो आ रही है. हाँ मैं शुभम से पूछ रही हूँ. हाँ ठीक है, जीरो ही आएगी. ठीक है, पहले तो पॉइंट निकालो. देखो पाई बाय टू पे पूछ रहा है, तो पाई बाय टू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी पाई बाय टू पे, ए, और वाई की तो जीरो ही आ जाएगी. कॉस पाई बाय टू पुट करोगे यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा. तो देखो पॉइंट तो आ गया ए कॉमा जीरो. ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकालो. डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी. वाई का डिफ्रेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या हो जाएगा, देखो ए इंटू में थ्री कॉस स्क्वायर टी इंटू में फिर कॉस का होएगा साइन टी, और एक साइन माइनस भी आएगा, वो मैंने आगे लिख दिया. ठीक है, नीचे नीचे आपको करना है एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आ जाएगा, ए थ्री साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी. ठीक है, ए से ए गया, थ्री से थ्री गया, ये से ये गया और ये से ये गया, बच क्या गया, माइनस कॉट टी. ठीक है, ये डीवाई बाई डी एक्स निकल गया. हमें निकालना किस पॉइंट पे था, पाई बाई टू पे. तो dy by dx at pi by 2, मतलब x is equals to pi by 2, क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो गया, cot pi by 2 जीरो हो जाता है. ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया जीरो, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना था. देखो वैसे यहां से तुम्हें चमक रही है क्या चीज, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज जीरो. स्लोप कैसे निकालते हो तुम, tan थीटा करके, थीटा इसका मतलब क्या है, जीरो डिग्री. इसका मतलब जो टेंजेंट है क्या वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है. Yes, तो ये इमेजिनेशन तुम यहां से निकाल सकते हो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है. चलो बताओ अब, वैसे देखो इक्वेशन से करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, वाई माइनस वाई वन जीरो है, एम आपका जीरो ही आया तो जीरो ही हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो. ठीक है, कर लोगे क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताना यहाँ पे क्या आएगी.
एक्स इज इक्वल टू ए। हाँ ठीक है, इक्वेशन हो उसके लिए क्या कर लोगे? देखो अगर वैसे समझ नहीं आता तो क्या करोगे, डीवाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो निकला हुआ है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होएगा? क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ -1/0? एक बार के लिए लिख लो, अभी तुम्हें समझ आएगा मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली इन्फिनिटी पुट कर दूंगी तो तुम्हें समझ नहीं आएगी चीज जो मैं निकालूंगी। स्लोप ऑफ नॉर्मल यही होएगा, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन जीरो, एम क्या है -1/0, एक्स माइनस एक्स एक्स है एक्स माइनस एक्स। तो क्या करो ऐसे केसेस में, इनफिनिटी पुट करने की बजाय अब आप इस जीरो को मल्टीप्लाई कर दो, उधर यहाँ वन था क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ इतना पार्ट बचेगा आपका इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ए आ गई। ठीक है निकाल लोगे, कर लें चले चलें क्या बेटा आगे, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा क्वेश्चन था ये, चलो ये बताओ। मैम पिछले क्वेश्चन में ए 0 हो जाएगा ना कांस्टेंट टर्म में। कहाँ पर बेटा? मैम यहाँ पे ए 3 cos² t -sin t। मैम ए का डिफरेंशिएशन किया आपने तो वहां पे 0 हो नहीं, जाएगा ना। ए का डिफरेंशिएशन नहीं किया बेटा, ये कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट होता है तो उसको साइड में मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट रखा रहता है ऐसे ही, ठीक है, एक को छोड़ के, और मैंने कोस क्यूब टी का किया है, मल्टीप्लिकेशन में ये जीरो नहीं आएगा। अगर ये ऐसे अलग से ए लिखा होता ना खाली, तो इसका जीरो होता डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लिकेशन में तो कांस्टेंट को आप अलग रख देते, उसका कुछ करते ही नहीं, वो एज इट इज पड़ा रहता है। ठीक है, ओके जैसे आप मान लो टू टी का करते हो, मान लो ये x के इक्वल है और मैं कह रही हूँ dx बाई dt निकालो, तो तुम क्या इसको क्या बोलते हो, तुम इसको t तो बोलते हो ना डिफरेंशिएट मैम करके, टू निकाल चलो देते बाहर फिर टीका करते हाँ हैं। टू टू बोलते हो, t नहीं बोलते, टू बोलते हो, तो यहाँ पर भी फिर अगर इस हिसाब से तो टू कॉन्स्टेंट इसका करो अलग से, तो वो लॉजिक नहीं है। ठीक है चलो ओके ये ट्राई करो, देखो ये क्वेश्चन आसान है, बस इसमें थोड़ा सा लॉग वाला प्रॉपर्टी यूज होगी इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है बाकी के कंपैरिजन में। क्या कह रहा है, एक कर्व है इन द प्लेन इज डिफाइंड बाय द पैरामेट्रिक इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू दिस एंड वाई इज इक्वल टू दिस। एक्स दे रखा है ई की पावर 2t प्लस 2 ई की पावर माइनस टी, और वाई क्या दे रखा है, ई की पावर 2t प्लस ई की पावर टी, एन इक्वेशन फॉर द लाइन ऑफ लाइन टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट दिस। पॉइंट ये दे रखा है टी इज इक्वल टू ln2, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं, पॉइंट निकाले थे, इसमें पॉइंट नहीं दे रखा, पॉइंट निकालने के लिए क्या पुट करोगे, टी को एल एन टू पुट कर दो इसमें, तो देखो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ई टू एल एन टू प्लस टू ई माइनस एल एन टू, और वाई क्या आएगा, ई टू एल एन टू प्लस ई। बताओ यहां तक किसी को समस्या, मैंने कुछ भी नहीं किया, टी की वैल्यू पुट की है। ठीक है अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी है तुम्हें पता है, पावर ये पढ़ा होगा तुमने, अगर इसकी पावर एक्स है तो पावर आगे आ जाती है, मैम बी को आर्गुमेंट बोलते हो, ए बेस है, पावर एक्स है, पावर आगे आ जाएगी, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 2 का स्क्वायर 2 की पावर -1, वाई इज इक्वल टू ई एल एन 2 का स्क्वायर और प्लस ई एल एन 2 ई। ठीक है अब एक और प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, क्या अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर मान लो ये ए है और यहाँ पर भी ए है और ये बी लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्टली किसके इक्वल आ जाता है, जब ये और ये पार्ट आपका सेम होता है तो जो लिखा हुआ है ना इसके अंदर आर्गुमेंट जो है उसी के इक्वल आ जाता है। यहाँ पर भी देखो एलन का मतलब क्या होता है, बेस में क्या है इसके, ई है, एलन का मतलब यही होता है ना, लॉग बेस ई यही होता है, एलन का मतलब यस तुमको मैम पता है ना। अब देख लो ई यहाँ है, ई आया, इसका मतलब ये जो पार्ट है ये एज इट इज आ जाएगा नीचे 4, ऐसे यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, तो 2 की पावर -1 एज इट इज आ जाएगा नीचे, तो 2 into में 2 की पावर -1। सेम यहाँ करो, यहाँ पर भी ई है बेस में, इधर भी ई है तो ये 2 की पावर 2 नीचे आ जाएगा, और सेम यहाँ क्या 2 नीचे उतर आएगा, तो देखो यहाँ क्या बन गया, 4 प्लस 2 की पावर -1 मतलब 1/2 कट ही जाएगा, 1 बचेगा तो ये आ गया 5, और यहाँ से आपके पास वाई क्या मिल गया, 2 टू 4 प्लस 2 सी।6। क्लियर है ये चीज,
पॉइंट निकल गया, पॉइंट अपना क्या निकल गया 5.6, ये अपना पॉइंट निकल गया। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, डीवाई बाई डीएक्स निकालना है। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है ये, तो क्या करोगे, डीवाई बाई डी टी अपॉन में डीएक्स बाई डी टी, डीवाई बाई डीएक्स आपको निकालना है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डीवाई बाई डी टी अपॉन में डीएक्स बाई डी टी। देखो करो भाई डिफरेंशिएट, वाई को करो विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या आएगा ई की पावर टू टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है -2e की पावर -t। देखो ठीक लिखा है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। अब देख लो इसको सॉल्व कर लो, आपको किस पे निकालना है ये, एट टी इज इक्वल टू एल एन टू। अब यहां पर भी टी की वैल्यू पुट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू एल एन टू क्या हो जाएगा, पुट करो बेटा, और जैसे पीछे सॉल्व किया था ना वैसे ही कर लो, टू एल एन टू प्लस में ई एल एन टू अपॉन में टू ई टू एल एन टू और माइनस टू ई माइनस एल एन टू। तो सेम जैसे पीछे आपने किया था वैसे ही, यहाँ पर देखो ये पावर में चला जाएगा और बेस ई है, ये नीचे भी ई है तो फोर नीचे उतर आएगा, तो टू इंटू में फोर प्लस में इधर क्या उतर के आएगा बताना, टू, इधर भी ये ऊपर चला जाएगा तो फोर नीचे उतर के आएगा, माइनस इधर बताओ ये माइनस वन ऊपर जाएगा तो टू की पावर माइनस वन नीचे आएगा, ठीक है, तो वन बाय टू आ गया बेसिकली, नीचे ये कट गया तो कितना बन गया, देखो एट प्लस टू अपॉन में एट माइनस वन कितना हो गया, ये टेन बाय में सेवन, ये क्या आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, पॉइंट निकल गया, स्लोप निकल गया। अब इक्वेशन निकाल लोगे, निकाल लोगे क्या, पॉइंट क्या निकला था 5.6, क्या हो जाएगा y माइनस सिक्स इज इक्वल टू 10/7 इंटू में x माइनस फाइव, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ये चीजें, yes. देखो एक पॉइंट है इसको नोट कर लो, वैसे तो मैं पता ही क्वेश्चन में यूज भी कर लिया है, अगर dy by dx किसी पॉइंट पे जीरो आ रहा है इसका मतलब क्या है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एंगल जीरो है, तो टेन जीरो निकालते हो तो जीरो ही निकलता है, उस टाइम पे dy by dx क्या आ जाएगा जीरो, तो अगर वो तुम्हें यू दे दे कि dy by dx जीरो है तो तुम समझ जाना जो टेंजेंट है वो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। दूसरी चीज, अगर dy by dx इंफिनिटी है, फिर इंफिनिटी आ रहा है मतलब तुम्हारा सॉल्व करने पे, इसका मतलब क्या है, टेंजेंट इस बार तुम्हारी परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस की, क्योंकि 90 डिग्री एंगल हो जाएगा तो टेन 90 निकालोगे तो इंफिनिटी मिलेगा आंसर। अच्छा अगर डीवाई बाई डी एक्स इंफिनिटी आ रहा है, मतलब टेन टू इंफिनिटी कर रहा है, एग्जैक्ट इंफिनिटी हम नहीं बोलते, तो तुम्हें पता चल गया टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के। अगर वो दूसरे शब्दों में इसको ऐसे बोल दे, इसको उल्टा कर दो, भाई तुम्हारा डीवाई बाई डी एक्स आ रहा था इंफिनिटी सपोज, अब मैं बोल रही हूँ वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, मैम y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा ना, हाँ dx by dy कर दो तो क्या हो जाएगा 1 by infinity क्या बन गया 0। अच्छा तुम्हें यहाँ से ये पता चला कि dx by dy 0 आ रहा है, dx by 0 का मतलब क्या है, लाइन किसके पैरेलल है, मतलब तुम्हें देखने में पता चल रहा है y एक्सिस के पैरेलल है। तुम दोनों चीजें ध्यान रखना, अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर है x एक्सिस के तो dy by dx तो इंफिनिटी होता है और dx by dy क्या होता है, ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्वेश्चंस में, क्योंकि वो तुम्हें ना ऐसे बोलेगा ही नहीं कि भाई ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, वो डायरेक्टली ये बोल देगा पैरेलल एक्स एक्सिस के, तो वहां से तुम्हें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता चल गया अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो डी बाई डीएक्स क्या आएगा जीरो आएगा, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो ये क्या चीज है, इफ द टेंजेंट एट पी एक्स वन वाई वन ऑन द कर्व इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, समझ रहे हो, इक्वली इंक्लाइंड, क्या ये इक्वली इंक्लाइंड है, ये 90 है, ये 45 है, 45 है, तो ये जो टेंजेंट है दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पे सेम एंगल बना रही है 45 45, इसका मतलब ये क्या है आपकी इक्वली इंक्लाइंड है। सेम अगर मैं ऐसे बना दूं तो 45 45, ऐसे बना दूं तो 45 45, ये भी बना सकते हैं हम इक्वली इंक्लाइंड में, ये भी बना सकते हैं हम 45 45, ठीक है, समझ रहे हो, ये चारों बना सकते हैं हम लोग,
ये वाली जो थी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये चारों लाइन बना सकते हो। चारों क्या है आपकी, कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब सेम एंगल बना रही है दोनों उस पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ठीक है, अब ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो स्लोप या तो +1 होएगा या -1 होएगा। देखो इस वाले का स्लोप क्या होएगा, -1, इस वाले का स्लोप क्या होएगा, +1, इस वाले का -1 और इस वाले का +1। तो मतलब क्या है कि कहना ये चाह रहा है कि इक्वली इंक्लाइंड जब टेंजेंट होती हैं तो या तो स्लोप आपका +1 आ जाएगा या -1, दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, +1 भी आ सकता है और -1 भी। अभी तुम्हें डिफरेंस क्लियर होएगा +1 -1 क्यों हम लिख रहे हैं। मान लो उसने तुम्हें ऐसे दे दिया, इफ द टेंजेंट मेक्स इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट सब समझते हो क्या एम होता है बताओ। इक्वल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट हाँ, करेगा, काट इंटरसेप्ट देगा। मतलब जो टेंजेंट है, जो हिस्सा काट रही है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो उसको इंटरसेप्ट बोल देंगे। अब मान लो तुमने ये बना दिया, ये जो हिस्सा है इसकी बात कर रहे हैं, इंटरसेप्ट इसको बोलते हैं। अब ये बोल रहा है इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट। देखो जब भी आप इंटरसेप्ट की बात करते हो ना तो आप साइन भी कंसिडर करते हो। यहाँ पर तो देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इक्वल ठीक है ले लिया हमने। अगर मैं ऐसे बना दूं तो क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? मैंने बोला साइन भी कंसिडर करते हो, यहां से तो तुम्हें माइनस साइन मिलेगा और इधर से क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और इधर से क्या मिलेगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। इंटरसेप्ट के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सेम अगर मैंने यहां बना दिया तो ये भी नेगेटिव पॉसिबल है, लेकिन अगर मैंने ये बना दिया तो ये तो पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया आपका नेगेटिव। नेगेटिव ठीक है, तो ये वाला भी गया क्योंकि उसने इक्वल बोला है। तो दो ही केस कंसिडर कर सकते हो, और इन दोनों में ही क्या है आपका स्लोप कैसा आ रहा है, इक्वल हाँ इक्वल तो आ रहा है बेटा, -1 के इक्वल आएगा। ठीक है, इसका देख लो ना, ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो टेन निकालोगे तो माइनस आएगा। ठीक है, तो -1 आएगा। क्लियर है, ध्यान रखना इस चीज को। इफ द टेंजेंट मेक्स इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, उस टाइम पे आपका dy/dx पक्के से क्या होएगा, -1 आएगा। अब तुम्हें आगे एक और चीज मिलेगी इसमें, इफ द टेंजेंट कट्स ऑफ फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। देखो अब डिफरेंस है दोनों बातों में, ये बात कर रहा है डिस्टेंस की, कह रहा है डिस्टेंस इक्वल कट करता है टेंजेंट। तो डिस्टेंस में हम कभी पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं, बोलो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव लेते हो ना, नहीं तो डिस्टेंस में तो ऐसी कोई नेगेटिव वाली बात नहीं करनी जो हमने इंटरसेप्ट में की थी। इसका मतलब इस बार तुम चारों केसेस ले लोगे, बात ये वही कर रहा है, वर्ड्स चेंज कर दिए। पीछे इंटरसेप्ट की बात कर रहा था तो तुम्हें सिर्फ वो वाला पोर्शन लेना था जिसमें साइन सेम रहे, यहां पर इसने डिस्टेंस बोल दिया तो डिस्टेंस नेगेटिव होता नहीं, आप लेते नहीं तो होता नहीं, लेते नहीं छोड़ो होता नहीं, तो आप लोग हमेशा पॉजिटिव ही आंसर देखोगे। आप ये देखोगे ही नहीं कि माइनस एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं या माइनस वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस की। तो आपको चारों केस कंसिडर करने हैं, तो dy/dx क्या हो जाएगा आपका, +1। ये क्लियर है तीनों केस आपको? देखो जब इक्वली इंक्लाइंड था तो dy/dx या तो +1 या -1, अगर नॉन जीरो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है तो उस केस में सिर्फ -1, और अगर इक्वल डिस्टेंस कट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे तो भी क्या हो जाएगा, +1 और -1। क्लियर है बेटा, कर लोगे ये? इसमें कोई डाउट है किसी को? अगर तुम्हें डाउट आ रहा है तो तुम फिगर बना के देख लेना। ठीक है, वैसे डाउट आना नहीं चाहिए, मैंने तुम्हें बता दिया। एक चीज ध्यान रखनी है, इंटरसेप्ट में तुम्हें साइन का ध्यान रखना है, अगर नेगेटिव वाई एक्सिस पे ले रहे हो तो नेगेटिव काउंट होएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ले रहे हो तो नेगेटिव काउंट होगा, पॉजिटिव ले रहे हो तो पॉजिटिव काउंट होगा। लेकिन जब डिस्टेंस की आप बात कर रहे हो तो आपको नेगेटिव से चक्कर नहीं पड़ना चाहिए, नेगेटिव क्या है, आप सारी वैल्यूज को क्या कंसिडर करोगे, पॉजिटिव ही कंसिडर करोगे। ठीक है, चले चलो। अब देखो ये है आपका दूसरा टाइप। अभी तक आप क्या कर रहे थे, जो पॉइंट आपको गिवन था वो कहाँ लाई कर रहा था, उस कर्व पे लाई कर रहा था। अब क्या आ जाएगा, टेंजेंट एंड नॉर्मल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब जो पॉइंट है वो इस बार कर्व पे लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ आई बात? इतना क्वेश्चन तो समझ आया होगा। पहले जो अभी डिस्कस करते आ रहे हो उसमें पॉइंट जो था आपका कर्व पे लाई कर रहा था, अब जो केसेस डिस्कस करोगे वो क्या है, पॉइंट आपका कर्व पे लाई नहीं करेगा। काम आपको सेम ही करना है,
टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन ही निकालनी है। तो क्या बोल रहा है देखो, राइट इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू दिस विच पासिस थ्रू दिस। अब ये तो तुम्हें बनाना आता है, ये इजी है, इसको हम बना सकते हैं। देखो बना के देखो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तुम लोगों को। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई कैसे बनाते हो, ऐसे ही बनेगा ठीक है। अच्छा ये पास कर रहा है 1.2 से, लेकिन ये पॉइंट आपका कर्व पे नहीं है, ये कहना चाहता है। सपोज 1.2 इधर कहीं है, इससे नॉर्मल पास कर रही है ठीक है, ये पॉइंट है, ये इन्होंने दे रखा है जिससे नॉर्मल पास कर रही है, क्लियर है। अच्छा ठीक है कोई नहीं, पर हम लोगों को तो कर्व पे एक पॉइंट मानना ही होता है, हम लोग मान लेते हैं अपनी तरफ से, मानेंगे अभी इसको, अभी के लिए खाली छोड़ दो। कर्व आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई, बताओ क्वेश्चन समझ आया भाई। इसने अभी तक तो क्या हो रहा था, जो रेड लाइन है ये इन्होंने यही दे रखा था कि जो पॉइंट इन्होंने दे रखा था वो कर्व पे लाए कर रहा है, वहां से हम लोग डीवाई बाई डीएक्स निकाल लेते थे और फिर अपना स्लोप निकाल के और इक्वेशन में पुट कर देते थे। अब ये क्या कह रहा है, ये जो 1.2 जिससे तुम्हारी नॉर्मल पास हो रही है वो पॉइंट कर्व पे लाई नहीं कर रहा है, तो मैंने कर्व पे लाई नहीं कराया इसको ठीक है, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिया जो कर्व पे लाई कर रहा है। अब देखो यहाँ पर आपको पॉइंट मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ, जनरली आप एक्स वन वाई वन भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, एक्स वन वाई वन मान सकते हो, पर कोशिश ये करा करो कि तुम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स मानो, क्योंकि जब तुम x1 y1 लेते हो ना तो तुम क्या कर रहे हो, अपनी तरफ से दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हो इसमें, x1 भी और y1 भी, तुम्हें दोनों की वैल्यूज अलग अलग निकालनी पड़ेंगी ठीक है। तो हम अगर एक ही पैरामीटर की फॉर्म में इस पॉइंट को लिख दे तो कितना आसान हो जाएगा कि हमें एक ही पॉइंट फाइंड आउट करना। सपोज मैं टी के फॉर्मेट में इसको लिखूंगी, टी की फॉर्मेट में एक्स और वाई लिखूंगी यहाँ पर, तो कितना ईजी हो जाएगा, मुझे सिर्फ एक ही वेरिएबल फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या टी, टी निकलते ही मेरा एक्स भी निकल जाएगा वाई भी निकल जाएगा। यहाँ मुश्किल हो जाएगा, एक्स1 भी निकालोगे वाई1 भी निकालोगे, पेचीदा काम हो जाएगा। अब तुम्हें टी किस तरीके से मानना है, अब ये देखो ये दे रखी है आपको इक्वेशन, मतलब ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है, तो टी इस तरीके से मानो कि आपकी एक्स की भी ढंग की वैल्यू आ जाए और वाई की भी ढंग की वैल्यू आ जाए। अब तुम खाली इसको टी मान लोगे, मान लो तुमने वाई को टी ही मान लिया, तो एक्स की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, अंडर रूट में चली जाएगी, जब तुम स्क्वायर हटाओगे बताओ चली जाएगी। रूट पसंद है क्या तुम्हें, नहीं है, तो क्या मानेंगे बताओ, टी स्क्वायर मान लें। अगर हम टी स्क्वायर मान लेते हैं वाई को, इसको टी स्क्वायर मान लो, तो तुम्हारा एक्स क्या निकल जाएगा, प्लस माइनस टू टी निकलेगा, पर यहाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ मैं, तो टू टी हो जाएगा। यस मैम। तो देखो ये आसान बन गया ना, देखो पुट करके देखो, अब ये पॉइंट तुम कर्व में पुट करके देखो लाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना ईजी होगा देखो, यहाँ पर सिर्फ आपको टी निकालना है, आपको पॉइंट मिल जाएगा, एक्स वन वाई वन के कंपेरिजन में ईजी हो गया। तो अब कैसे करोगे इसको, एक पॉइंट मिल गया आपको कर्व पे, कर्व की इक्वेशन दे रखी है, तो नॉर्मल की इक्वेशन नहीं निकाल सकते क्या इन दोनों चीज को यूज करके। पॉइंट आपको मिल गया क्या, 2t, t2। अच्छा dy by dx निकालो एक बार, dy by dx क्या हो जाएगा, 2x is equals to 4 dy, कर्व को डिफरेंशिएट कर लो इक्वेशन को, देखो 2x is equals to 4 dy by dx, यहां से dy by dx क्या आ गया, एक्स बाई टू आया कि नहीं आया, किस पॉइंट पे देख रहे हैं हम, इस पॉइंट की बात कर रही हूँ अब मैं, इस पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका, टू टी, तो डी वाई बाई डी एक्स एट टू टी कॉमा टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू टी बाई में टू, तो टी ही आ जाएगा ठीक है, क्लियर है। ये स्लोप किसका निकला है, ये तो टेंजेंट का निकलता, अब आप नॉर्मल का कैसे निकालोगे, क्या माइनस वन बाई टी हो जाएगा नॉर्मल का स्लोप, बताओ नॉर्मल का स्लोप माइनस वन बाई टी हो जाएगा। अब तुम्हें ये पता है ये लाल रंग वाली लाइन नॉर्मल है, इसका स्लोप तुमने निकाल लिया माइनस वन बाई टी, और ये इस पॉइंट से भी तो पास कर रही है, टू टी कॉमा टी स्क्वायर से पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, क्या तुम नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हो, लिखो एक बार क्या आ जाएगी, देखो वाई माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन बाई टी एक्स माइनस टू टी, यही आ जाएगी, मल्टीप्लाई करो एक बार, वाई टी माइनस टी क्यूब इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू टी। अच्छा अब एक बात बताओ, नॉर्म ये आपने नॉर्मल की इक्वेशन निकाल ली, लेकिन नॉर्मल तो इस पॉइंट से भी पास कर रहा है 1.2, अब ये पॉइंट तुम क्या करो इसमें पुट कर दो, यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा, टी की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें, टी की वैल्यू मिलते ही अपनी इक्वेशन फिर तुम आराम से लिख सकते हो, कर दो बेटा 1.2 पुट करो, यहाँ पे क्या आ रहा है हो जाएगा 2t माइनस
टी क्यूब इज इक्वल टू माइनस वन प्लस टू टी, ये तो गया, टी क्यूब आ गया वन, तो टी की वैल्यू क्या आ गई, वन। अगर टी की वैल्यू वन आ गई तो स्लोप क्या हो गया नॉर्मल का, माइनस वन। नॉर्मल का स्लोप आपको मिल गया माइनस वन, पॉइंट आपको पता ही है वन बाय टू। अब इक्वेशन ही नहीं लिख सकते क्या तुम बताओ, मैम लिख सकते हैं। आया समझ? यस मैम। थोड़ा सा लेंदी हो गया बट इजी है, देखो कॉन्सेप्ट हमने वही लगाया, हमने कुछ नया यूज नहीं किया, बस एक चीज नहीं यूज किया है यहाँ पे। देखो तुम चाहो तो इसको x1 y1 से भी करके देखना, घर बैठ के ये काम करके देखना, तुम इसको x1 y1 से करके देखना, तुम्हें बहुत लंबा पड़ जाएगा ये क्वेश्चन। इक्वेशन बन रही थी। हाँ बहुत लंबा पड़ जाएगा, यहाँ पर एक ही पैरामीटर में तुमने दोनों कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, तो अब तुम्हें ना सिर्फ टी की वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू निकालते ही तुम्हें ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ठीक है? तो तुम्हें ये भी समझ आ गया मैंने यहाँ पर किस तरीके से ये चूज किया है कि भाई मेरी अच्छी अच्छी वैल्यूज आए, मैंने डायरेक्टली वाई को टी नहीं लिया क्योंकि मेरा रूट में बन रहा था एक्स, ठीक है? तो देखो ऐसी बहुत सारी आएंगी तुम्हारी कर्व्स जिसमें तुम्हें पता नहीं होगा तुम्हें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लेने क्या है। तो एक मेथड है, काफी सारों में लग जाएगा ये मेथड क्या है। देखो मान लो तुम्हें अगर ये कर्व दे दे, अब इसमें तो तुम लोग सोचने पड़ जाओगे क्या करें, तो तुम क्या करना, कोस थीटा का स्क्वायर प्लस में साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये तो तुमने इक्वेशन देखी हुई है। जो भी तुम्हारी कर्व आ रही है उसको इस फॉर्मेट में बनाओ, कंपेयर करो, फॉर्मेट में बनाओ मतलब पहले तो वन क्रिएट करो, कहाँ पे, राइट हैंड साइड में, यहाँ वन क्रिएट करो एक बार, कैसे आएगा, एक ए की पावर टू बाय थ्री को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो ऐसे लिख दूं, एक्स बाय ए की पावर टू बाय थ्री प्लस वाई बाय ए की पावर टू बाय थ्री इज इक्वल टू वन, लिख सकती हूँ। अब देखो यहाँ स्क्वायर है, या तो तुम एक काम करो इन दोनों को इक्वली पुट कर लो, या फिर तुम स्क्वायर स्क्वायर रखो क्यों, वन बाय थ्री को अंदर ले जाओ। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, x बाय ए की पावर वन बाय थ्री और उसकी पावर है टू, प्लस में y बाय ए की पावर वन बाय थ्री और उसकी पावर क्या है, टू इज इक्वल टू वन। अब क्या कंपेयर कर सकते हो, cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, x बाय ए की पावर वन बाय थ्री के इक्वल। आपको x की वैल्यू चाहिए, क्यूब कर दो दोनों तरफ, तो cos क्यूब थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, x बाय ए, x की वैल्यू क्या आ गई, ए cos क्यूब थीटा, मिल गया। देखो यही है, सेम आप इसके लिए भी कर सकते हो, y बाय ए की पावर वन बाय थ्री को किसके इक्वल रखोगे, साइन थीटा के इक्वल रखोगे, क्यूब करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है? अब देखो अगर तुम याद मत करने बैठना, क्या क्या याद करोगे, मैंने तुम्हें मेथड बता दिया, कंपेयर ही करना है। मान लो अगर आपको इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स देखने हैं तो अब क्या करोगे, रूट ए को नीचे ले जाना, तो ये क्या बन जाएगा, रूट एक्स बाय ए प्लस रूट वाई बाय ए इज इक्वल टू वन। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ तो स्क्वायर क्रिएट करने का कोई फायदा नहीं, तुम डायरेक्ट कंपेयर ही कर लो, इन दोनों को कंपेयर मार दो, तो कोस थीटा का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, रूट एक्स बाय ए के इक्वल। एक्स की वैल्यू चाहिए, क्या करोगे दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा, कोस फोर थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय ए, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए कोस फोर थीटा, यही है, ठीक है? कर लोगे, बोलो बेटा। कर लोगे तो इस तरीके से कर लेना, ये छोटा सा एक मेथड बताया तुम्हें, ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं गेस करने में, अदरवाइज तुम उलझे रहोगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में। चलो ये एक ये क्वेश्चन और कर लो, अ लाइन इज ड्रॉन टचिंग द कर्व दिस, फाइंड द लाइन इफ इट्स स्लोप और ग्रेडियंट इज टू, ग्रेडियंट का मतलब भी स्लोप ही होता है, ठीक है? कहीं ग्रेडियंट लिखा मिल जाए तो ग्रेडियंट और स्लोप एक ही बात है, बताओ। लाइन ड्रॉन टचिंग द कर्व मतलब टेंजेंट की बात कर रहे हैं, टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ये दे रखी है y इज इक्वल टू बाय थ्री माइनस एक्स, बताओ कैसे करोगे, स्लोप आपको दे रखा है टू, इस बार इन्होंने स्लोप दे रखा है, आप स्लोप निकाल लो ना अपनी तरफ से, क्या आएगा स्लोप, देखो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, यहीं पे कर लो, थ्री इंटू थ्री माइनस टू इंटू थ्री माइनस एक्स की पावर माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन आगे आ जाएगा तो थ्री माइनस एक्स की पावर माइनस टू, और अंदर वाले का करोगे तो माइनस वन, ये कितना बन गया, टू इंटू में टू बाय थ्री माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया आपका डी वाई बाय डी एक्स, इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, टू की इक्वल दे रखी है, यहां से सॉल्व कर लो, थ्री माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, थ्री माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी जीरो नहीं वन,
p माइनस एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस वन, तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, क्या क्या आएंगी बताओ, एक तो 3 + 1 और 3 - 1, 2 और 4। अब तुम x की इस वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ पुट करके, तो दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, स्लोप आपको दे रखा है, इक्वेशन मिल जाएगी, बना लोगे, मैं ठीक है, सारे कर लोगे क्या, एक बार वो लिख दो, यस नो लिख दो चैट बॉक्स में। चलो ये बताओ, इसका आंसर बताओ। ठीक है आदित्य बेटा, मेरे को आंसर चाहिए और सभी बच्चों से चाहिए। बेटा इतना बड़ा तो क्वेश्चन ही नहीं था। किसी का भी नहीं निकला y इज इक्वल टू 2। अच्छा मेरे इधर तो लाइट गई हुई है, मैं करी लाइट जाती है, इन्वर्टर नहीं है क्या, ब्लैक हो जाता है सब। नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है, y इज इक्वल टू 2। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये क्या है टेंजेंट, अच्छा नॉर्मल होगा ये, कट गया होगा, ठीक है टेंजेंट नॉर्मल होगा। y इज इक्वल टू दिस एट x इज इक्वल टू 0 दे रखा है, पॉइंट कैसे निकालोगे, x 0 तो दे रखा है, x की वैल्यू 0 पुट कर दो y निकल जाएगा, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है पॉइंट हो गया ये। दूसरी चीज आप क्या करोगे, dy by dx निकालोगे, dy by dx कैसे निकालोगे, सेम देखो इसको कैसे करोगे, इसको तुम क्या लिख सकते हो, 4 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर माइनस 1, तो कर लो इसका डिफरेंशिएशन, माइनस 1 एज पावर नीचे आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर माइनस 2 इंटू में 2x, तो कितना हो गया ये, -8x बाय में एक्स स्क्वायर प्लस 2, यही हुआ dy by dx। हमें निकालना क्या है, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो dy by dx तो 0 ही आ गया, ठीक है एट पॉइंट किस पे, x इज इक्वल टू 0 पे। स्लोप अब टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया ये 0 आ गया, तो पॉइंट, पॉइंट आपको पता ही है, इक्वेशन कैसे निकालोगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एम करते, तो एम तो 0 ही आ गया, तो y इज इक्वल टू 2 आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्लोप सॉरी नॉर्मल की इक्वेशन के लिए अब क्या करोगे, बताओ नॉर्मल की इक्वेशन के लिए क्या करोगे, M1y0 देखो नॉर्मल के लिए y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बाय 0, मतलब -1/0, माइनस लिखने की वैसे जरूरत नहीं पड़ रही, लो लिख लो,
इनटू में एक्स माइनस जीरो, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, कर लोगे, चले आगे। चलो ये बताओ, ये तो कर लोगे ट्राई। देखो एक क्वेश्चन का हिंट और दे देती हूँ, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। देखो ये कर लोगे ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस। ये इससे बड़ा क्वेश्चन मैं तुम्हें करा चुकी हूँ टी के फॉर्मेट में, ये तो बहुत छोटा है उसके इक्वल, उसके आगे मतलब, कर लोगे? यस मैम। यस मैम, ट्राई करेंगे। नहीं राहुल बेटा, ये ट्राई करने की भी जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें EL(n)2 तक करा दिया, ये तो बहुत सिंपल है उसके आगे। तुम इसको ऑरली भी कर सकते हो जाएगा वैसे। ये देखो ये क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस वेयर इट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, जहां पर ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है, मतलब टेंजेंट एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है। तो एक बात बताओ, जिस पॉइंट पर वो उसको कट कर रही होगी, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स जीरो एक्स कॉमा जीरो एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एक्स आप निकाल सकते हो, यहाँ पुट कर दो एक्स को जीरो, सॉरी वाई को जीरो, तो एक्स की वैल्यू टू आ जाएगी यहाँ से। इसका मतलब ये पॉइंट क्या है एग्जैक्टली, हमें पता चल गया 2,0। तो टेंजेंट 2,0 से पास कर रही है, मतलब पॉइंट आपको मिल गया क्या 2,0। निकालना क्या है, इक्वेशन निकालनी है, बताओ कैसे निकालोगे? अब तो निकाल लोगे यहाँ से, देखो वाई निकाल लेना 2 - x/1 + x², इसका dy/dx निकाल लेना, किस पॉइंट पे निकालोगे, ये पॉइंट पुट कर देना, निकाल लोगे अब इक्वेशन। एक यही इंपॉर्टेंट थी इसमें चीज, कर लोगे, पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल जाएगा, पुट कर देना इक्वेशन, ठीक है। देखो ये तुम्हें मैं डायरेक्ट होमवर्क दे रही हूँ, वैसे इजी है ये, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी मैं, अगर तुम नहीं कर पाओगे ना तो मैं ये कल फिर करा दूंगी। ये वाला देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस व्हिच इज पैरेलल टू दिस। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, वैसे तो नया तो क्या है, बट एक चीज घुसा दी इन्होंने, एक और लाइन घुसा दी उसके साथ, क्या बोल रहे हैं कि इसकी पैरेलल है ये। एक बात बताओ, आपको इसका टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, x² = 4y, ठीक है, तो क्या क्या चीजों की जरूरत है आपको? कहाँ बोलो, अरे बेटा मैं ये पूछ रही हूँ कि मैम अगर, लाइन के स्लोप के बराबर हो जाए। हाँ मैं बेसिकली पूछना क्या चाह रही हूँ, अगर दो लाइंस आपकी पैरेलल हैं तो उस केस में क्या होता था, स्लोप्स क्या होते थे? ये वाला और ये वाला पैरेलल ना, सॉरी ये वाला और ये वाला नहीं, ये बोल रहा है टेंजेंट जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट डायरेक्टली तुम निकाल सकते हो। कैसे? स्लोप ऑफ टेंजेंट वही होगा जो इस लाइन का स्लोप होगा। इस लाइन का स्लोप तुम कैसे निकालते हो, y = mx + c के साथ इसको कंपेयर करते हो, तो इस फॉर्मेट में इसको ले आओ, वाई को अकेला छोड़ दो, बाकी सारा पार्ट राइट में ले जाओ, क्या हो जाएगा देखो, y = -x सॉरी + x + 1 + x हटा लो, यही हो जाएगा। वाई को मैं उस तरफ लेगी x + 1, कंपेयर करना स्लोप क्या है इस लाइन का, m = 1, इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया आपका, 1 ही हो गया, ठीक है। अब आगे क्या करोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 दे रखा है तो निकालो, तुम्हें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालो, क्या करते हो तुम, डिफरेंशिएट करो इसको 2x = 4dy/dx, तो यहां से dy/dx क्या आ गया आपके पास, x/2, दे क्या रखा है इसने 1, तो x/2 की वैल्यू आ गई 1, तो x की वैल्यू आ गई 2, x की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो पॉइंट क्या मिल गया 2,1, स्लोप आपका क्या है 1, तो अब इक्वेशन निकाल लोगे y - 1 = 1 × x - 2, y - 1 = x - 2, यहाँ से क्या आ जाएगा y - x + 1 = 0। बताओ इसमें कोई समस्या है किसी को, जल्दी बोलो। वैसे भी तुम्हें याद है तुमने कॉनिक सेक्शन में पढ़ा होगा, दो लाइन पैरेलल है तो उसको तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, बट ये हम लोग टेंजेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम लोगों ने स्लोप वाला फॉर्मेट यूज करके किया है। याद हो तो तुम एक्स और वाई के कोफिशियंट को इंटरचेंज कर देते थे, याद है, आया याद, कुछ पढ़ा है तुमने ऐसा, तो मैम इन्होंने वही तो किया है। मॉडल
मैम मॉड ऑफ सी टू माइनस सी वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं वो तो बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला था, जो भी बोल रहा है बेटा वो अलग चीज थी, मैम वो पैरेलल पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस का ना। हाँ पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला था। मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि अगर एक लाइन की इक्वेशन आपको ये दे रखी है x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो आप बिना सॉल्व करे एक अगर पैरेलल लाइन इसके दे रखी है उसकी इक्वेशन निकाल सकते हो। आप क्या करते थे, सिर्फ कांस्टेंट चेंज करते थे, और ये वाले क्या बोलते हैं कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर देते थे। देखो वही आ रहा है यहाँ पर, देखो एक्स के साथ माइनस आ गया, वाई के साथ प्लस आ गया, ये हमारा ये वाला पार्ट सेम आ गया प्लस वन, कोई नहीं है। तो बट आप लोगों ने कॉनिक सेक्शन में ये चीज, कॉनिक सेक्शन में नहीं सॉरी स्ट्रेट लाइंस में पढ़ी है कि पैरेलल हो तो आप क्या करो, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स को चेंज कर दो और कांस्टेंट अपना अलग लगा दो। फिर कुछ ना कुछ वो कंडीशन देते थे, वहां से तुम वो कांस्टेंट निकालते थे और फिर कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके अपनी इक्वेशन बता देते। ठीक है, ये चीजें तुम पढ़ के आए हुए हो, हालांकि तुम्हें भी याद नहीं होंगी वो अलग बात है, बट ये वाला प्रोसेस क्लियर है आपको हमने कैसे किया है। क्या तुम नॉर्मल की निकाल सकते हो सेकेंड पार्ट में? जल्दी बोलो नॉर्मल की निकालनी क्या यस करोगे? मैम। ये बोल रहा है नॉर्मल इसके पैरेलल है इस बार, तो इसका स्लोप निकालना, वो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा, यहां से तुम नॉर्मल का स्लोप निकालना, इक्वल करना, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, ट्राई करके देखना इसको सेकंड वाले को। ये भी वही, ये तो वही है, ये देखो द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, बताओ एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? एक्स एक्सिस तो यही होती है बेटा, इसका स्लोप क्या ही होएगा, जीरो होएगा। बोलो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए तुम्हें बेटा। एक्स एक्सिस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, मतलब कितना उठी हुई है वो हॉरिजॉन्टल से? जीरो उठी ही नहीं हुई, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जीरो है, तो टेन जीरो निकालोगे तो जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे तुम्हें क्या पता चल गया स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, जीरो। जीरो अच्छा टेंजेंट जो है तुम्हारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब टेंजेंट का भी स्लोप क्या है? जीरो और वैसे भी तुम पढ़ के आए हो, अभी मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था कि टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो डीवाई बाई डीएक्स क्या होएगा, जीरो। ठीक है जीरो अच्छा डीवाई बाई डीएक्स जीरो आ गया, यहाँ से डीवाई बाई डीएक्स निकाल के जीरो के इक्वल पुट कर देना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर वाई की वैल्यू आ जाएगी, निकाल लोगे आंसर। चले आगे, चलो यस मैम। देखो इफ द कर्व दिस पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड हैज इट्स टेंजेंट पैरेलल टू द एक्सिस एक्स एक्सिस एट दिस, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। इसको ट्राई करना, अभी वैसे भी अपना टाइम हो गया। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मतलब इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट थोड़ी सी एक दो चीजें और एक्स्ट्रा तुम्हें इसमें करनी पड़ेंगी, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं जो इसमें होमवर्क लिख रही हूँ ना वो कल होने चाहिए तुम लोगों की, जब भी नेक्स्ट क्लास है, बस यहीं तक है, इसके आगे ये मत करना। आई थिंक मैंने तीन चार क्वेश्चन छोड़े हैं, कर लेना उनको, बाकी सारा ठीक है। ठीक है, एक बार मोटा मोटा देखो रिवाइज करवा देती हूँ क्या पढ़ा है, बताओ तुम ही बताओ तुम्हें क्या क्या पढ़ा है। देखो पहली चीज तो तुमने क्या पढ़ी है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या होता है, माइनस वन। पैरेलल है तो स्लोप्स आर इक्वल। ठीक है, उसके बाद तुमने क्या पढ़ा है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी, जो भी वो क्वेश्चन में देता है मान लो एक्स एंड वाई क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। डीएक्स ठीक है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, माइनस वन बाय डी वाई बाई डी एक्स एट पी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा क्या पढ़ा है आपने, दो चीजें पढ़ी थी हमने, एक तो पॉइंट आपको कर्व पे दे रखा होता था वो पढ़ा था, एक क्या पढ़ा था जब पॉइंट आपका कर्व पे नहीं दे रखा हो, बाहर कहीं दे रखा हो। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन हो तो उस फॉर्मेट में अगर आपको डीवाई बाई डीएक्स निकालना है तो आप क्या करोगे, पहले डीवाई बाई डीटी निकालो, उसको डिवाइड कर दो डीएक्स बाई डीटी से। ठीक है, क्लियर है। और एक मैंने तुम्हें मेथड बताया था शॉर्ट, जिसमें तुम लोग पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स को अज्यूम कर सकते हो इजीली। ठीक है,
इतना ही रखते हैं ब्रांच। क्लियर है ना सबको लेक्चर को? डाउट तो नहीं है?